वैसे भी बहुत सारे लोगों को खो चुकी हूँ जिनसे मैं प्यार करती हूँ, और अब मैं तुझे तो क्या मैं भी उन्हीं में से हूँ? किन में से? जिन्हें तुम प्यार करती हो। I do care for you. बात पलटो मत और जवाब दो। क्या जवाब दो? हूं ना मैं उन्हीं में से जिन्हें तुम प्यार करती हो। आर्या, कल गुड़ी पड़वा है, नया साल नई शुरुआत, जवाब देना पड़ेगा। बर हाँ, युग को ढूंढ रही हो? अरे उसकी शादी हो गई है, भूल जाओ उसे। एक काम क्यों नहीं करते, शरबत पी लीजिए ना, मुंह थोड़ा कम कड़वा होगा। इस आयरा ने जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी। बोलो ना, करती हो मुझसे? मैं ना त्या बुला रही होंगी, मुझे मतलब उन्होंने कहा था कि मैं तैयार हो जाऊं, तो उन्हें वो हेल्प चाहिए थी कुछ। आज आखिरी बार है, आज बोलना ही पड़ा। बारा हाँ, साहिब मैं जानती हूँ इस चुनाव को जीतने के लिए आपसे जो बन पड़ रहा है आप कर रहे हैं। ये गुड़ी पाड़वा का जश्न मेरी एक छोटी सी कोशिश है तन्मय और मेरी इमेज को सुधारने के लिए। उम्मीद है इस बार हम चुनाव में जीत जाएंगे। साहिब आपसे एक प्रार्थना है, अगर हो सके तो आज के दिन गुस्सा मत कीजिए और तन्मय और सोनिया को गुड़ी की पूजा करने दीजिए। किसी को भी है ना, तेरे ये नशेड़ी बेटे को ये सब करते हुए देखने में दिलचस्पी नहीं है, और नए साल की शुरुआत आशा और उम्मीद के साथ होती है, गंजेड़ी और हारे हुए लोगों को देखकर नहीं। आई चलो। तन्मय, बाबा नाराज हैं इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, प्लीज तू कहीं मत जा। साहिब, साहिब इसे बोलिए ना हमारे साथ नया साल मनाने को। साहिब प्लीज, जब वो चाहते ही नहीं है तो क्यों फोर्स कर रही हो? सिर्फ मैं चाहती हूँ, सुना तूने, मैं चाहती हूँ सबके सामने अगर तमाशा नहीं चाहिए ना तो चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना इस जलसे का हिस्सा मैं भी नहीं रहूंगी। कब तक इसके भरोसे रहेगा तू? हाँ, फिर कितने टाइम तक इसका पल्लू पकड़ के फिरेगा? अब और नहीं, जा रहा हूं मैं यहां से। हाँ तो जा ना, इसे रुके जा।
तन्मय मेरा सब कुछ ऐसा है। अगर ये इस घर से चला गया तो याद रखना आपके साथ मैं भी कभी खड़ी नहीं रहूंगी। इस पूरे घर में है ना बेवकूफ और उल्लू लोग मिले हैं मेरे को। जा कर आप पूछा, चल आ जा बेटा। युग, आओ मेरे साथ। आर्या से मैं वो तीन मैजिकल वर्ड्स बुलवा के, यही सही मौका है, मुझे युग से बात करनी ही होगी। पापा ने कहा तो था कि वो कुछ अजीब नहीं करेंगे। मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए जी, समझी? मैं डांस नहीं करती। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े दावे करती हो मेरी पत्नी होने के। अब क्या हुआ, अब डांस नहीं करोगी अपने पति के साथ? या तो डांस करो या फिर बोल दो कि मैं उनमें से हूं जिन्हें तुम प्यार करती हो। डांस ही कर लेती हूँ। आज ऐसा तन्मय को मेरे सामने खड़ा करके मेरे को ब्लैकमेल करके, ए तूने अच्छा नहीं करा कस्तूरी। कोई ब्लैकमेल नहीं है सर, तन्मय बेटा है आपका जो पूरा वंश डुबाने वाला है। हेलो, हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है, आप बस घर दिखा दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगी साहिब, तन्मय कहीं नहीं जाएगा, इसी घर में रहेगा। थैंक यू। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, बस अब हम दोनों एक नई दुनिया बसाएंगे, यहाँ से दूर चले जाएंगे। तुमसे नहीं हो पाएगा आर्या राजवटकर, मैं ही बोल देता हूं। आए लव
मेरे को बचा लो प्लीज। क्या मेरे को क्या देख रही है ऐसा? तू पागल हो गई है क्या? अब मैं भी वो करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। पापा? नहीं नहीं नहीं, आई होप पापा ने ये ना किया। आर्या परेशान दिख रही है, कहीं फिर से तन्मय के साथ? इस वक्त बाबा बाबा प्लीज फोन उठाइए, बहुत अर्जेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा प्लीज। तन्मय, अरे इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा था ना, मिशन अकम्प्लिश करने के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा, जो भी। नहीं 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 बाबा, आप ऐसे नहीं कर सकते, तन्मय निर्दोष है बाबा। क्या बस तो ना समझाएगी ना मनाएगी और ना ही बिना मांगे अपनी राय देगी। नहीं Switched off? नहीं 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 बाबा, बाबा इतना नीचे नहीं गिर सकते, तन्मय निर्दोष है, आप ऐसा नहीं कर सकते उसके साथ, उसे उसे ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हमारे फायदे के लिए। मुझे कैसे भी करके बाबा को ढूंढना होगा। तेरी बदकिस्मती है बेटा कि तू उस बाप की औलाद है, बाप के पापों की सजा तू भुगत रहा है, लेकिन तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो है, तेरे लिए उसका अंधा प्यार हमारे काम आएगा। सत्या और कस्तूरी के बीच की दरार को चीर कर मैं अब रास्ता बनाऊंगा। ढूंढना होगा, उन्हें मिलना होगा, उनसे बात। फिर से किसे मिलना होगा? अरे अब ये मत कहना जान काका को। जान काका को ही तो। अरे तुम कह लो तुम्हें जो भी कहना है, मगर तुम्हें एक बात बता दूं कि झूठ तुम्हें सूट नहीं करता है। तन्मय, उसी को लेकर रहना ये सब कुछ। क्यों? मेरी बात ध्यान से सुनना। तन्मय को मारने में या उसे अगवा करने में मेरा कोई हाथ नहीं है। तो किसका है? I don't care, Arya. I just don't care.
जो भी बोलोगी मुझे पूरा यकीन है कि तुम झूठ ही बोल रही हो। बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। प्लीज मुझे बता दो कि ये क्या चल रहा है। तन्मय तो आपकी अपनी औलाद है ना, ऐसा कैसे कर सकते हो आप? मेरे बेटे को छोड़ती मेरा बेटा वापस प्लीज। बाबा भी क्या कर रहे हैं? तन्मय को किडनैप करने से तो हम और फंस जाएंगे, युग और सत्या हमारे पीछे पड़ जाएंगे। बाबा आपने क्यों किया ऐसा? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।